Hey guys, welcome back to my another amazing video and I'm Pallavi. I hope you all are doing great. So आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही amazing glam grey smoky eye makeup look. So अगर ये look आपको पसंद आ रहा है और आप जानना चाहते हो मैंने ये look कैसे create किया है तो आप ये video last तक देखें and अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे video को like and share करने अपने friends and family के साथ and also subscribe my channel and also hit the bell icon. So let's get started. सो मैंने यहाँ पे लिया है टोनर एंड ये बायोटिक का कुकुम्बर टोनर है एंड ये बहुत ही अच्छा टोनर है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये टोनर बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको. एंड टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है एंड जो भी डर्ट होते हैं वो भी निकालता है. एंड आप देख सकते हो मेरी स्किन में कितने डर्ट हैं जबकि मैंने अपनी स्किन को वॉश कर लिया था पहले भी उसके बावजूद. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र एंड यहाँ मैंने लिया है ये पॉन्स का मॉइस्चराइज़र. सो ये लाइट मॉइस्चराइज़र है एंड मुझे क्या स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो इसलिए मैं लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. एंड अभी बरसात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा ही उमस जैसा किया हुआ है तो ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है अभी. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ये 50 UV++ सनस्क्रीन. सो इसे मैं अच्छे से अपने सारे विजिबल एरियाज़ पर लगा लूँगी एंड अपने फेस पर भी. तो इसे मैंने अच्छे से अपने पूरे स्किन में ब्लेंड कर लिया है. देन हम लेंगे प्राइमर एंड मैं यहाँ ले रही हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर एंड आई जस्ट लव दिस प्राइमर गाइज. मुझे ये प्राइमर इतना पसंद आया है ना कि जब भी मैं अब कोई डेली में भी मेकअप वेकअप करती हूँ तो मैं यही उठा लेती हूँ. ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, मुझे बहुत अच्छा लगा. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 CC क्रीम एंड मेरा शेड है बीज. सो इसे मैं अपने पूरे स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड ये बहुत ही लाइट सा मेकअप है, बहुत ही वेयरेबल मेकअप है इसलिए मैं यहाँ पे सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ. आप चाहो तो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो बट सीसी क्रीम आपको अच्छी खासी कवरेज भी दे देता है एंड आपके फेस को ज़्यादा हैवी फील भी नहीं कराता. सो यह अच्छा है. तो इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYB का ये फाउंडेशन एंड मेरा शेड है गोल्डन. सो इसे मैं अपने सारे यूजुअल हाइडिंग एरिया पे लगा लूँगी जो एरिया मुझे हाइड करने हैं, जैसे अंडर ऑफ द आईज़, माउथ एरियाज पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे एंड अराउंड माय नोज़ पे भी एंड लिटिल बिट फोरहेड. सो इसकी कवरेज नॉर्मल है, नॉट हाई एंड मुझे हाई कवरेज चाहिए भी नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत ही नेचुरल सा मेकअप चाहिए था. मेरा जो बेस है मुझे बहुत नेचुरल चाहिए था तो इसलिए मैंने कोई भी ज़्यादा कवरेज वाली कंसीलर यूज़ नहीं किया है. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का ये पाउडर एंड इसे मैं एज अ लूज पाउडर यूज़ करूँगी एंड इसे मैं सिर्फ अपने अंडर आइज़ को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्रीज आ जाते हैं और जल्दी आते हैं इस वजह से. एंड मैं अपने पूरे सेट को फेस को सेट करने के लिए यहाँ ले रही हूँ मेबेलिन का ये कॉम्पैक्ट एंड ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फेस पे से अप्लाई कर लूँगी. सो देन मैंने यहाँ पे लिया ये SFR का हाइलाइटर ब्लश कॉन्टोर पैलेट. तो इससे मैं कॉन्टोर शेड लेके अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी एंड मेरा शेड है इसमें 02. इसमें दो शेड आते हैं 01 एंड 02. तो मैंने अपने सारे चिक बोन्स को, फोरहेड को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी एंड ऑल्सो माई जॉ लाइन. एंड माई नोज़, क्योंकि यू गाइस नो मेरी नोज़ कितनी फ्लफी है. सो या मैं नोज़ को भी अच्छे से कॉन्टोर करूँगी एंड डोंट कॉन्टोर करने के बाद आपकी जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा लगता है. सो आपको हल्की फल्की तो कॉन्टोरिंग करनी चाहिए. सो मैंने पाउडर को यहाँ पे डस्ट ऑफ कर लिया है. देन मैंने सेम SFR पैलेट से ये ब्लश शेड लिया है एंड ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पे. या आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है हमारा बेस. सो अब हम फिल करेंगे अपने आईब्रो को एंड मैंने यहाँ पे लिया है माल्याओ का ये आईब्रो पैलेट.
सो मैं इससे अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। एंड बहुत इजी है इस पैलेट से अपने आईब्रो को फिल करना, बहुत इजीली आप फिल कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो गो फॉर इट, ये बहुत ही अमेजिंग पैलेट है। या हो गया, देन मैं स्पूली से ब्लेंड कर लूँगी अपने प्रोडक्ट्स को। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, एंड इसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी एज अ आई शेडो बेस। एंड हल्का हल्का अपने आईब्रो को भी मैं क्लीन कर लूँगी, आईब्रो के एजेस को। सो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल स्पंज लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो। देन मैंने मेबेलिन का कॉम्पैक्ट लेके इसे सेट कर लिया है। एंड मैं सेम माल्याओं के आईब्रो पैलेट से ये ब्लैक एंड ग्रे शेड मिक्स करके अपने आईलेट पे अप्लाई करूँगी, पूरे आईलेट पे देख सकते हो। एंड अच्छे से ब्लेंड करना है, आप कोई भी आई शेडो कलर अप्लाई कर रहे हो लेकिन आप उसे अच्छे से ब्लेंड करो। अगर आप ब्लेंड करोगे तभी उसके रिजल्ट आपको अच्छे से मिलेंगे। सो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जा रहा तब तक मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। सो आपको भी वही करना है। सो नेक्स्ट मैंने सिस ब्यूटी के इस पैलेट से लिया है ये पिंकिश पीची शेड, एंड इसे मैं अपने क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ एंड ग्रे शेड के एजेस को भी क्लीन कर रही हूँ। सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड मैंने यहाँ पे अगेन एक क्लीन ब्रश लिया है एंड अपने आई शेडो के एजेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने मेकअप रिलेशन पैलेट से ये ग्रे सिमरी शेड लिया है एंड अपने पूरे आईलेट पे इसे अप्लाई करूँगी। एंड इसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। सो इसे मैं अपने पूरे आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी। तो यह देन मैंने अपने फॉल्सेस अप्लाई कर ली है। मैंने यहाँ कोई आईलाइनर अप्लाई नहीं किया है बट अपने लैस के बैंड को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, बस बैंड को हाइड करने के लिए। देन मैंने अगेन ग्रे शेड एंड ब्लैक शेड मिक्स करके अपने लोअर लैस लाइन पे अप्लाई किया है। देन मैंने पिंक शेड लिया है। देन मैंने लिया है स्ट्रे करके का ये आई लव यू टू काजल, कितना प्यारा नेम है आई लव यू टू, वाह। सो इसे मैं अपने अपर वाटर लाइन को एंड लोअर वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी। सो या देन मेरी दूसरी आईज भी डन हो चुकी है, ये। देन हम अप्लाई करेंगे मस्कारा एंड या ये है लोटस का मस्कारा जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। देन मैंने सेम रेमिकोल्यूशन पैलेट से ये शैम्पेन शेड लिया है एंड इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने चिक बोन्स पे, क्यूपिड बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड एंड चिन पे। यूजली मैं सारे एरियाज जो हमारे हाइलाइटिंग के होते हैं मैं वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी इसे। देन मैं अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ। जो आपकी आईज है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी एंड प्यारी दिखती है। देन अपने एम्ब्रा बोन को भी मैं हाईलाइट करूँगी एंड दिस टाइम फॉर लिपस्टिक। सो मैं यहाँ ले रही हूँ स्टे पेटी की ये मिनी लिपस्टिक पैलेट एंड इसमें से मैंने लिया है ये पिंक शेड की लिपस्टिक। इसका शेड नेम है बूस्ट माई मूड एंड शेड नंबर है 21। सो इसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। सो या गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोग को ये लुक पसंद आया हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो।
सो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल बटन को हिट कर दें। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को बहुत भर भर के प्यार दें एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर करें। सो या गाइस, मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।